नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंपावत से बड़ी खबर मिल रही है। लोहागाड पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद, संतोला के पास भारी मात्रा में आया मलबा। हाईवे के दोनों तरफ फंसे 200 से ज्यादा वाहन। मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी इस दौरान फंस गई है और NH अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। रास्ता खोलने वाली मशीनों में तेल नहीं, ये विभाग के अधिकारियों का कहना है और विभाग की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों में बेहद रोष है और 24 घंटे से नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर NH अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। देहरादून स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेगी सिंह की रचनाओं पर ललित मोहन रयाल की ओर से लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन भी किया गया था। कार्यक्रम में CM धामी के ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी की लोक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी होने किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM धामी ने कहा है कि नेगी जी ने अपने लोकगीतों के जरिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने का काम भी किया है। आदरणीय नेगी जी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। कुछ दिन पूर्व ही मुझे आपकी पुस्तक कल फिर सुबह जब सुबह होगी लॉन्च करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 101 जो प्रतिनिधि गीतों के बारे में विस्तार से था। और सच बताऊं तो अभी रतूड़ी जी बोल रहे थे कि किस प्रकार का जीवन यहाँ का लोगों का है, किस प्रकार उनकी जीवन की चुनौतियां हैं, कैसा उन्होंने जीवन जिया है, कैसा पहना है, कैसा खाया है, क्या उनके भाव हैं, उन सब की प्रतिमूर्ति के रूप में गीतों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से यहाँ की संस्कृति को आपने पूरी दुनिया के अंदर आप ले गए हैं। इसलिए आप लोक कलाकार ही नहीं बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश दुनिया के हर एक व्यक्ति के हृदय को छुआ है। उनके हृदय के अंदर आपने एक अपना स्थान बनाया है। और एक कार्यक्रम में मैं जब शुरू में जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी, उस समय आपने एक मंच से मेरे कहने पर एक गाना गाया था जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। तो वो गीत वास्तव में हर किसी के दिल को छूता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर CM धामी ने विपक्षी नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विरोध करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का दर्द और उनका ये कहना कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं का विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, शोक करते हैं, समर्थन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा, न ही बयान दे रहा है। विपक्ष से सवाल कहीं से गलत नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनके घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया,
नहीं कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय है, मानवाधिकार पर कैंडल मार्च निकालने वाले लोग क्यों गायब हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमें बांग्लादेश जैसी समस्या पर जागरूक रहना होगा और इसके लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया है कि वो समाज को जागरूक करने का काम करें और इसके लिए सरकार भी उनकी मदद करेगी। मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले से लेकर अब तक हिंसा जारी है। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा भारत के हिंदू समाज में भी बांग्लादेश सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग भारत सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे, और जबकि वहां पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। 90% बांग्लादेश में प्रताड़ित समुदाय दलित है। हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हिंसक घटनाओं के विरोध में उत्तरकाशी के सभी हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां से हिंदुओं को भारत में वापस बुलाकर उन्हें यहां की नागरिकता देनी चाहिए। लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। लोग 3-4 मुद्दों पर ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, उसमें से प्रमुख मुद्दा बांग्लादेश का है और जो यहाँ अवैध रूप में इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा दुनिया भर के व्यापार के माध्यम से प्रवेश हो रहा है उसके लिए हम आज ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, एक बहन बेटी के साथ मिलकर 140 इस्लामिक जो जिहादी हैं वो उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनकी भारत में आज उत्तरकाशी में हिंदू समाज सभी हिंदू संगठन मिलकर कड़ी निंदा करता है, घोर विरोध करता है और चेतावनी देता है उन सभी को कि अगर क्या बोलते हैं भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया तो हिंदू संगठन हिंदू समाज को लेकर साधु संतों को लेकर उनको यहां से खदेड़ने का काम तत्काल करेगा। इधर हरिद्वार पहुंचे केंद्र सरकार में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से कड़े कदम उठाने की मांग की है जिससे कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो सके। आपातकाल एक जरूर दौर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं। मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने भी पलटवार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम धामी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, राज्य के कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति है और सीएम धामी बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं, केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है तो फिर पीएम मोदी खामोश क्यों है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी खुद को विश्व गुरु की बात करते हैं तो बांग्लादेश पर विश्व गुरु क्यों कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। धामी जी तो अजीब सी बातें करते हैं, उनके राज्य में आपदा आई हुई है, केदारनाथ आपदा को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक
लोगों के मुआवजे की घोषणा उन्होंने नहीं की, उनको यही नहीं पता कि कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग लापता हैं, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विदेशों में कोई घटना होती है तो उस पर कैंडल मार्च निकालती है, जो ढाका में घटनाएं घट रही हैं उस पर सबसे पहले चिंता व्यक्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी हो। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय रहते सरकार को चेताने का काम किया था, तब भी अगर आपकी सरकार नहीं चेती और लगातार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप तो विश्वगुरु का दावा करते हैं तो विश्वगुरु वाला रतबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और लगातार हिंदू वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बीच सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार है, सरकार के मुखिया को पार्टी के नेता विश्वगुरु कहते हैं, लिहाजा कांग्रेस पूछ रही है कि बांग्लादेश के मामले में विश्वगुरु की बोलती क्यों बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन ने कवायद तेज कर दी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद खाली थे, उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद खाली हो गया था। देशभर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये यात्रा जसपुर सुभाष चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए वापस सुभाष चौक पर खत्म हुई। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि पूरे भारत में माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हर नगर हर गांव में ये तिरंगा यात्राएं निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर ये यात्रा निकल रही है और इससे राष्ट्रभाव की भावना लोगों में जागृत होगी। और आप जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में और विश्व के अनेक स्थानों में आज जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, उसमें और ज़्यादा आवश्यकता है कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रभाव की भावना जगे। 3 किलोमीटर की यात्रा है, शहर के मुख्य मुख्य मार्गों को कवर करेगी। पौड़ी में सेवानिवृत्त कर्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरण के निराकरण को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों से सेवानिवृत्त कर्मिकों के कुल 12 मामले सामने आए। इसमें 2 पेंशन और 10 राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड से संबंधित थे। चमोली में अर्थ एवं संख्या विभाग के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभ्यास और दृष्टिकोण के संबंध में एंडलाइन सर्वे को केंद्रित समूह चर्चा आयोजित की गई, जिसमें मतदाता पंजीकरण, मतदाता प्रक्रिया और मतदाता महत्व समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर भी सुझाव रखे गए हैं। पौड़ी में नशा मुक्ति अभियान के तहत विकसित भारत का मंत्र, भारत को नशे से स्वतंत्र थीम पर गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीएम डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने किया। इस मौके पर डीएम ने कहा है कि युवाओं की शक्ति का समाज और देश के विकास में अहम योगदान है। साथ ही डीएम ने स्कूल प्रबंधन को कॉलेज एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कोशिश करना चाहेगा, एक बार नहीं करना है।
एंटी ड्रग को लेकर के हमारा विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोग्राम चल रहा है, उसी क्रम में ये प्रोग्राम वहाँ किया गया था। वहाँ ई प्लेज भी ली गई है, साथ ही उन्हें एक्सपर्ट्स की तरफ से जो उन्हें एक उनकी एजुकेशन या उनकी उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की जानी थी वो की जा रही है, और मेरे द्वारा और SSP पौड़ी द्वारा उसमें प्रतिभाग किया गया, और बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस दी जानी उसमें हम लोगों ने भी। लक्सर के बालावाली तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू धर्म के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराने की अपील की जाए। साधु संत तो पहले से ही इस बारे में समाज को जागृत समय समय पर करता रहा। ये बांग्लादेश में जो बांग्लादेश हमारे ही ऋण का वो है, आभार उसको करना चाहिए, लेकिन हमारी अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पे हमारी माताओं बहनों के साथ इज्जत के साथ उनकी खिलवाड़ हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, हमारी जो पूजा पाठ के साधना केंद्र हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। सभी उपस्थित आर्य भद्रपुरुषों और सभी जो मीडिया कर्मी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में जिन्होंने खून दे करके अपना धन दे करके 1971 में उन बांग्लादेशियों की रक्षा की थी, आज वही बांग्लादेशी हमारे बहन बेटे और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करता हूं और UNM के तक हमारी बात पहुंचे, हम ऐसा भी सोचते हैं मुख्य प्रधानमंत्री पहुंचाए या कोई पहुंचाए या मीडिया पहुंचाए, हमारी रक्षा की जाए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा की जाए, अन्यथा हम 1942 की तरह जिस तरह हैदराबाद में किया था ने वही इस देश में फिर कर देंगे हम। हमारा यही आपसे निवेदन। थराली में बीते 5 दिनों से ठेकेदारों का एक गुट अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के परिसर में कार्मिक अनशन पर है। वहीं अब इसको लेकर ठेकेदार संघ थराली ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दिनेश रावत ने कहा है कि वर्तमान में जो धरना सिंचाई परिसर में चल रहा है उससे ठेकेदार संघ का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी इस मुद्दे को ठेकेदार संघ में रखा गया था, लेकिन इस ठेकेदारों की ओर से बिना प्रस्ताव के ही अब लगातार अनशन जारी है। संगठन जो है ना, इसके विपरीत ये लोग बैठे हैं। हम लोगों का कहीं पे ये नहीं है, संगठन हमारा मजबूती से काम कर रहा है। ये लोग कुछ अपने निजी स्वार्थों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं, हमारा ठेकेदार संघ इनके साथ नहीं है। बाकी हमारा ठेकेदार संघ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है। यहाँ पे अभी 200-250 ठेकेदार है, सब एकजुट है, 8-10 ठेकेदारों को छोड़कर, बाकी सब एक साथ है। ये गलत तरीके से बैठे हैं। हमने पहले ही बोला था इनसे कि हमारा संगठन में बात करो, हमारा संघ जो बोलेगा वो हम करेंगे। ये रखी थी लेकिन ये अपना पुत्रा दहन करना, ये करना, वो करना, ये अपने घर से प्रोग्राम बना के आते हैं। हमारे ठेकेदार संघ को इन्हें पूछा नहीं है, अगर ये पूछते तो हम सब लोग इनके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 200 दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार और हरिद्वार विकास प्राधिकरण से इस मामले पर जवाब पेश करने को भी कहा है। बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम ने सड़क की 3.5 मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और करीब 200 दुकान का निर्माण कर उन्हें किराए पर भी दिया है। अवधूत मंडल आश्रम है गुरुकुल कांगड़ी के पास। याचिकाकर्ता का कहना था कि उस आश्रम ने सड़क की करीब 3.5 मीटर जमीन घेर के उस पर निर्माण कर रखा है करीब 200 दुकानों का, और जिनको उसने किराए पे दे रखा आगे आश्रम ने, जबकि वो सड़क की भूमि है। इस बारे में 2012 में एक हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, उस समय उनके खिलाफ वाद एक दाखिल किया गया, चल रहा था केस, चल रहा था डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें ये आया था कि ये सड़क की चौड़ाई एक मध्य से एक तरफ को 7.5 फीट होनी चाहिए, जो तो केवल 3.5 फीट कम है, मीटर कम है, 3.5 मीटर।
तो उस पर कार्रवाई आगे होती, इससे पहले बाद में जब सूचना के अधिकार में कागज निकलवाए गए पता चला डेवलपमेंट अथॉरिटी के यहाँ से वो पूरी फाइल गायब हो गई। तो फिर 2024 में जाके मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश से जो है उस पर इस प्रकरण में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कई काम किए हैं, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग पाया है। अब इसी को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने एज हिल स्टेट में चल रहे दो निर्माण कार्यों को भी सील कर दिया है। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा है। आज दो निर्माण जो चल रहे थे, दो निर्माणों को सील किया गया है। एक श्री बलवीर सिंह जी और एक है श्री भोटोला जी। ये मतलब ये अलग अलग स्थान है दोनों के, मैं आपको बता देता हूँ। भोटोला जी का ये हिल स्टेट में था, ठीक है। और दूसरा दूसरा आपका था ये ओल्ड एज हिल स्टेट, दोनों वहीं पर थे। बलवीर सिंह का भी दोनों का एज हिल स्टेट के आसपास ही था जी। अब पूरा इनको सूचित किया गया था, लगातार सुनवाई पे लोग आ भी रहे थे, इनको बता भी दिया गया था और पीटा सिंह महोदय के समक्ष इन सारी बातें आएगी थी, वो सारी चीज़ों को बताते हैं। इसके बाद भी निर्माण जारी रखा गया जिसको मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जो ऐसे अवैध निर्माण होंगे उनका सख्त कार्रवाई। रुड़की के जैनपुर गाँव में नवनिर्मित मकान का सेटरिंग खोलने गए दो मजदूरों की शौचालय के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसे भी उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई तो उसका जीवन संकटमय नहीं हुआ और वो अभी स्वस्थ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।